तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखते रहना। सबसे कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहां पर कंपनी के कुछ एरिया में अच्छा फोकस देखने को मिलता है। जैसे कि इस कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो एक तो यह कंपनी डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स किसी को बनवाना है तो वो यह कंपनी बनाकर देती है, सुपरवाइजिंग क्वालिटी एंड हैंडलिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज ब्रिज टनल एंड अर्बन बिल्डिंग्स, तो यहां पर कंपनी का अच्छा फोकस देखने को मिलता है। कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो कंपनी ये तीन प्रकार की मेन सर्विस प्रोवाइड करती है। ये है एक सबसे पहली डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, जहां पर कंपनी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो भी यहां पर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका काम लेती है। उसी के साथ साथ प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की सर्विसेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखो तो ये कंपनी की ये कुछ सर्विसेज है जिसके ऊपर कंपनी का मेजर फोकस देखने को मिल जाता है और ये सभी प्रकार की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। बाकी यार इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो कंपनी का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कंपनी कितने सालों से इस इंडस्ट्री में किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किए हैं। तो कंपनी ने इंडिया के अंदर देखने जाए तो ऑलमोस्ट सभी बड़े छोटे स्टेट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। यहां पर कंपनी ने 127 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जिसमें से 116 प्रोजेक्ट्स है उसको इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से कंप्लीट किया है और बाकी के जो 11 प्रोजेक्ट्स है इसको कंपनी ने जॉइंट वेंचर या एमओयू के थ्रू विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने कंप्लीट किया है। तो वैसे देखने जाए तो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में अच्छी पकड़ है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है पिछले 14 साल का, तो ये एक यहाँ पर अच्छी चीज़ नजर आ रही है। बाकी इस कंपनी के साथ टोटल 272 एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं जो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ने स्ट्रेंथ में तो बहुत सारी चीज़ें बताई है, उसमें से यार एक तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या सर्विस डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी यार कंपनी के बारे में कोई और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं क्योंकि यार कंपनी ने बोला है कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां से थोड़ी और स्ट्रेंथ की बारे में कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो सारे फाइनेंशियल में सारी अमाउंट सब वो लैक्स के अंदर है। 2022 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 1670 लाख रुपए से 3,308 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 2680 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 4,050 लाख रुपए पर आ चुके हैं। प्रॉफिट है वो 332 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 676 लाख रुपए के आसपास आ चुका है। कंपनी के पास रिजर्व्स में अभी लेटेस्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 443 लाख रुपए अवेलेबल है और कर्जा कंपनी के ऊपर 447 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसों की जरूरत है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ये दो रीजन बताया है आईपीओ लाने के पीछे का। बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई को इस आईपीओ का लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। इस कंपनी के आईपीओ में 53 रुपीज से लेकर 56 रुपीज का प्राइस बैंड देखने को मिलता है। एक लॉट में 2000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 27.62 करोड़ रुपीज का है जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है। आईपीओ में आप लोग देखने जाओगे तो यार NSE SME के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी और कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 31% के आसपास रखा गया है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 24 जुलाई को शुरू हो रहा है और उसके बाद 26 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 29 जुलाई को इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है। 30 जुलाई को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 31 जुलाई को ये कंपनी शेयर बाजार में सुबह 10 बजे लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,12,000 रुपये का देखने को मिलता है जिसमें 2,000 शेयर्स मिलेंगे। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 100% की थी, आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग्स यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। बाकी
बाकी इस कंपनी के आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो यहाँ पर रखा गया है ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज़ के करीब का, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15 के आसपास का रखा गया है। कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का आईपीओ ठीक नजर आ रहा है। अभी इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का डेटा देखोगे तो पहले 2 दिन के अंदर कंपनी का आईपीओ क्यूआईबी के द्वारा सब्सक्राइब हुआ है 4.82 टाइम्स का, एनआईएस के द्वारा 46.38 टाइम्स का, रिटेल एस के द्वारा 91.49 टाइम्स का एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 57.07 टाइम्स का देखने को मिल जाता है। आईपीओ को रिस्पॉन्स वैसे यार अच्छा मिला है। अभी इस आईपीओ में ग्रेमा की प्रीमियम देखोगे तो वो चल रहे हैं 50 रुपए पर और लिस्टिंग एंड अराउंड 90% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इस कंपनी की आईपीओ में आप लोग लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी और दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बाकी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में भी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना चाहते हो जो अलॉटमेंट मिलता है तो आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। बाकी यार इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी राय नहीं रहेगी। बाकी यार लिस्टिंग इन पर्पस के लिए कंपनी का आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। मेरी बात करो तो मैं 1-2 लॉट शायद इस आईपीओ में अप्लाई करके चलने वाला हूँ लिस्टिंग इन पर्पस के लिए, जो अलॉट में मिला तो लिस्टिंग इन लेकर निकल जाएंगे ऐसे माइंडसेट के साथ। तो ये था मेरा ओपिनियन ये मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। अभी आपका ओपिनियन आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आईपीओ के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।